महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पुजारी हैं, वही पुजारी जिन्होंने गाजियाबाद में मंदिर परिसर के भीतर एक मुस्लिम बच्चे को पीटे जाने के मामले में आरोपी का पक्ष लिया था। इनका एक वीडियो सामने आया है, दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठे बोल रहे हैं, इस्लाम की असलियत जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, तो ये भय हिंदू अपने मन से निकाल दें। हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज़ है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे, क्यों सच नहीं बोलेंगे? अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाएगा तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। नरसिंहानंद यही नहीं रुकते, और भी भड़काऊ बातें करते हैं, मोहम्मद को लुटेरा, डकैत और अन्य खराब बातें कहते हैं। नरसिंहानंद की ये बातें काफी खराब थी, इतनी कि हम पूरी बातों का जिक्र खबर में करना भी नहीं चाहते। उनके शब्द उन्मादी, बैर बढ़ाने वाले और निरर्थक थे। उनकी बातों का जवाब दिया आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ने, और भी घटिया और भड़काऊ अंदाज में। उन्होंने ये वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों काट कर इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया, लिखा, ये इंसान मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा भड़काने के उद्देश्य से इस्लाम का अपमान कर रहा है, दिल्ली पुलिस की चुप्पी शर्मनाक है। बेशक नरसिंहानंद की बातें काफी निचले स्तर की थी, भड़काऊ थी, कार्रवाई योग्य है, लेकिन अमानतुल्ला भी यहाँ न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि थे बल्कि जनता के भी, क्योंकि वे विधायक हैं। वे नरसिंहानंद की उन्मादी जुबान का जवाब कानूनी भाषा में देकर एक उदाहरण पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गला काटने जैसे और भी भड़काऊ बात कर दी। बेहतर ये ना होता कि जिस कानून पर भरोसे की बात कह रहे थे उसके पास जाते, कार्रवाई करवाते। जिम्मेदार जगहों पर गैर जिम्मेदार लोग हमारी नियति है, अफसोस। हालांकि अमानतुल्ला गए कानून के पास, जामिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तब तक वो और नरसिंहानंद माहौल बिगाड़ने का गंदा खेल शुरू कर चुके थे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉक। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।